मेरे 12th क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी पॉइंट है ये कि मेरे प्यारे बच्चों, प्रिपरेशन हमारा जो है वो हमारी सोच पे डिपेंड करती है, हमारी मेहनत पे डिपेंड करती है। अगर हम अच्छे विचार से पढ़ना शुरू करते हैं तो हमेशा हमारे माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग पढ़ने का आने लगता है, पढ़ने की एनर्जी हमारे अंदर जो है वो बढ़ जाती है, हमारे अंदर एनर्जेटिक हो जाते हैं हम पढ़ने के लिए। लेकिन वो हमारे विचार पे है और हमारे जो है संगत पे है ना। हम जितना अपनी लाइफ से रिलेटेड गहराई को समझेंगे, गहराई को सोचेंगे, गहराई को जानेंगे, देखिए आपको पढ़ने में उतना ही मन लगेगा, उसे पढ़ने में उतना ही जो है वो तन मन धन लगेगा। और हमारी मेहनत चाहे किताब के प्रति हो, चाहे हमारे अर्निंग मनी के प्रति हो, चाहे हमारे किसी भी फील्ड में हो, वही मेरी असलियत ताकत बनती है, वही हमारी जो है रियल की जो है वो ताकत होती है। तो हम कहते हैं ना कि जिस फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड में जी तोड़ मेहनत कीजिए, वही मेन आपकी ताकत है, वही आपकी पहचान बनेगी, वही आपको दुनिया का एक शोहरत देगा, दुनिया में एक ऐसी शोहरत देगा जो आप कभी ख्वाब में भी नहीं देख पाए होंगे, ऐसी शोहरत देगा। तो मेहनत करने के लिए पीछे ना हटें बच्चों, डेली मेहनत करें और हार्ड मेहनत करें। अपने घर की फैमिली की कंडीशन को देखें कि मेरी फैमिली कंडीशन कितनी बुरी है, कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, कितने अच्छे से लोग हमें पढ़ाने के लिए जो है वो सोच रखे हैं, कितने अच्छे से लोग हमें पढ़ा रहे हैं, कितने कठिनाइयों के साथ हमें लोग पेमेंट कर रहे हैं, पर मंथ हमारे पास पैसा आ जा रहा है। हम एक फोन करते हैं गार्जियन के पास, हमारे अकाउंट में हमारे पास पैसा पहुंच जाता है। बस उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, पढ़ाई पे जो है वो रेगुलरली रखिए, कंटिन्यूटी रखिए, लगातार रहिए, देखिएगा आपकी सफलता आपकी कदमों में जो है वो झुकेगी। आप सफल होंगे और आपकी सफलता आपकी कदमों में झुकेगी, ये हम बोल रहे हैं। हम हॉप इंग्लिश एकेडमी के डायरेक्टर धीरज सर बोल रहे हैं, ये याद रखिएगा बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों,